हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बूटकैंप। इस लेक्चर में हम रोड मैप देखेंगे टू बिल्ड अ मशीन लर्निंग मॉडल। सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द बेसिक्स। देयर आर मेनी मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज अवेलेबल दैट विल ईज योर वर्क, बट यू नीड टू फोकस ऑन द बेसिक्स बिफोर यू अंडरस्टैंड देम। तो जो लाइब्रेरीज हैं, मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, उनको यूज करने के लिए भी आपको बेसिक्स का आना, बेसिक्स समझना जरूरी है। Understand the basics of maths and stats that include topics like linear algebra, calculus, probability and statistics. Machine learning के लिए, deep learning, in other words AI के लिए, artificial intelligence के लिए linear algebra, calculus, probability and statistics को समझना और इनका knowledge होना, experience होना बहुत जरूरी है। Second step है data pre-processing. Real-time, real-world data is dirty and noisy and it contains a lot of outliers, unexpected data records that are not relevant for the machine learning model. हमारे पास real-world, real-time data अक्सर ऐसा होता है जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे features होते हैं जो कि irrelevant होते हैं machine learning modeling के लिए। For example, अगर हम किसी employee का data use करना चाह रहे हैं machine learning model build करने के लिए, तो employee में user ID जो है, chances हैं कि user ID जो model हम create करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए user ID irrelevant हो। तो such kind of data cannot make a better machine learning model. Cleaning this is important to avoid any unexpected results and also to structure the data. थर्ड स्टेप है आइडेंटिफाइंग फीचर। एनी गिवन डेटा सेट हैज मल्टीपल फीचर्स एंड यूजिंग दीज फीचर्स द मशीन लर्निंग मॉडल इज डिजाइन। टू वेज टू डू दिस, सिलेक्टिंग द फीचर्स जिसको हम फीचर सिलेक्शन कहते हैं, क्रिएटिंग न्यू फीचर्स जिसको हम फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। रेलेवेंट फीचर आइडेंटिफिकेशन कैन मेक द मॉडल मोर इफेक्टिव। फोर्थ स्टेप है डिवाइड द डेटा सेट। The entire dataset needs to be divided into majorly three chunks: training data, validation data, and testing data. Training data is used to build off it the model, validation data is used to test the model with known values, and testing data is used to test the model with unknown values. Jo hamare paas dataset hota hai, hum usko mostly three split karte hain. Jo training data hota hai, उससे हम मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसको ट्रेन करते हैं, उसको डाटा वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ट्रेन हो सके। जो वैलिडेशन है, उससे हम टेस्ट करते हैं अपने मॉडल को विद नोन वैल्यूज, एंड लास्ट में हमारे पास जो टेस्टिंग डाटा है वो हम यूज करते हैं टू टेस्ट द मॉडल विद अननोन वैल्यूज। और वैलिडेशन के बाद हम एक्यूरेसी वगैरह चेक करते हैं, और लास्ट में हम जब टेस्टिंग डाटा जब यूज करते हैं तो उसके बाद भी हम एक्यूरेसी वगैरह चेक करते हैं कि अननोन वैल्यूज पे एक्यूरेसी हमारे पास क्या आ रही है, जिससे हमें फिर समझ आती है कि जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो कितना बेहतर काम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग एल्गोरिथम। बेस्ड ऑन द डेटा सेट एन इफेक्टिव सिलेक्शन ऑफ एन एल्गोरिथम इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर थ्री टाइप्स, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन आर सुपरवाइज्ड learning algorithms have known labels, while clustering is an unsupervised learning algorithm, no known labels. Jo regression hum use karte hain jab hamare paas discrete values hoti hain. For example, hum jab house price prediction humne karni hoti hai to jo prices hain wo fluctuate karti hain, wo common nahi rehti, to har din prices hamare paas change hoti rehti hain. Isi tarah अगर हम स्टॉक प्राइस देखें तो स्टॉक प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है, तो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की प्राइस फ्लक्चुएट करती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम रिग्रेशन मॉडल्स को यूज करते हैं। क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है जब हमारे पास कैटेगरीज में डाटा, कैटेगरीज में हमने चेक करना होता है कि जैसे हमने क्लासीफाई करना होता है कि जो पिक्चर है वो डॉग की है या कैट की है, या फिर हमने किसी एनिमल में कंपैरिजन करना होता है कि कोई इमेज है वो किस एनिमल की पिक्चर है। तो ये क्लासिफिकेशन में आता है, जिसमें हमारे पास कैटेगरी में हमारे पास जो डाटा है वो जिस डाटा का रिजल्ट है वो कैटेगरी
को डिनोट करता है। तो और लास्ट में क्लस्टरिंग जो है, क्लस्टरिंग में हम ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुपिंग जो कि हमें हम मॉडल को लेबल जो है वो प्रोवाइड नहीं करते, और मॉडल खुद सिमिलैरिटी देखकर क्लस्टरिंग करता है, ग्रुपिंग करता है। तो रिग्रेशन जो कि हम फॉर एग्जांपल प्राइसेस के लिए यूज करते हैं, क्लासिफिकेशन जो कि हम चेक करते हैं कि जब हमारे पास किस ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे कैट है या डॉग है या इस तरह के एनिमल में हम चेक करते हैं कोई, या उसके अलावा हमने चेक करना हो कि आइदर पेशेंट को हार्ट डिजीज है या नहीं है, यस और नो की कोई कंडीशन हमने चेक करनी हो, तो ऐसी कैटेगरी क्लासिफिकेशन में आती है। और हमारे पास जो क्लस्टरिंग है इसमें हम कोई लेबल डाटा प्रोवाइड नहीं करते, रिजल्टेंट जो हमारे पास टारगेट कॉलम होता है वो हम मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड नहीं करते, और मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो फीचर्स में सिमिलैरिटी देखकर ग्रुपिंग करता है। बिल्डिंग द मॉडल, नेक्स्ट स्टेप, यूजिंग द ट्रेनिंग डाटा द मॉडल इज बिल्ट एंड इट इज फर्दर टेस्टेड विद द वैलिडेशन डाटा। तो जो ट्रेनिंग डाटा है हम उससे मॉडल को बिल्ड करते हैं, और उसके बाद फिर हम साथ चेक करते हैं कि विद वैलिडेशन डाटा। फाइन ट्यूनिंग द मॉडल इज परफॉर्म इफ नीड, इफ नीड बी। तो फाइन ट्यूनिंग हम अगर जरूरत पड़े तो हम यूज करते हैं ताकि हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को और बढ़ा सकें। एंड मल्टीपल आइटरेशंस आर परफॉर्म टू चेक वेदर द आउटकम्स आर अपडेटिंग और नॉट। तो मल्टीपल आइटरेशंस हम करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि हमारा जो रिजल्ट है वो, या हमारी एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्युएटिंग द मॉडल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन बिल्डिंग एनी मशीन लर्निंग मॉडल इज टू इवेल्युएट इट एंड चेक फॉर एरर्स। ये हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करते हैं, इज टू इवेल्युएट एंड चेक फॉर एरर्स, कि हम उसको इवेल्युएट करें मशीन लर्निंग मॉडल को और हम एरर देखें कि हमारे पास एरर्स क्या क्या आ रहे हैं। दिस स्टेप इज मैंडेटरी टू चेक वेदर द एल्गोरिदम दैट इज अप्लाइड इज इफेक्टिव एक्यूरेट और नॉट, एंड इट इज डन बाय कैलकुलेटिंग डिफरेंट स्कोर्स, एरर टर्म्स एंड अदर मैट्रिसेस। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो इफेक्टिव है और एक्यूरेट है या नहीं। नेक्स्ट स्टेप है यूज द टेस्टिंग डेटा टू फर्दर क्रॉस चेक द मॉडल। यूज टेस्टिंग डेटा और अननोन डेटा वैल्यूज टू जनरेट द आउटकम्स। जब हमारे पास मशीन लर्निंग मॉडल प्रिपेयर हो जाता है, बिल्ड हो जाता है, उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं विद टेस्टिंग डेटा टू जनरेट द आउटकम्स, और जो आउटकम हमारे पास जनरेट होता है हम उसको अगेन इवेल्युएट द मॉडल एंड जनरेट डिफरेंट मैट्रिसेस, इफ नीड बी फाइन ट्यून द मॉडल एंड रीइटरेट। तो हम जब हमारा मॉडल टेस्टिंग डेटा पे हमें आउटकम्स देता है तो हम उसको अगेन इवेल्युएट करते हैं, चेक करते हैं उसकी एक्यूरेसी वगैरह कंपेयर करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम फाइन ट्यूनिंग करते हैं और रीइटरेट। हम जो स्टेप सिक्स था कि मॉडल को बिल्ड करें, तो हम फिर स्टेप सिक्स और ऑनवर्ड्स जो बाकी स्टेप थे वो अगेन फॉलो करते हैं। बिल्ड एपीआई एंड जीयूआई। वंस द मॉडलिंग इज कंप्लीटेड द टेस्टिंग इज सक्सेसफुल, बिल्ड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस, कनेक्ट दीज एपीआईज विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर द एंड यूजर टू एक्सपीरियंस द मशीन लर्निंग सिस्टम। तो जब हमारा मॉडल कंप्लीट हो जाता है और उसकी टेस्टिंग जो है वो भी सक्सेसफुल होती है, तो हम एपीआई जो है वो बिल्ड करते हैं और उस एपीआई को हम जीयूआई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। डिप्लॉय द मॉडल। पोस्ट बिल्डिंग द यूजर इंटरफेस एंड कनेक्टिंग ऑल द एपीआईज द सिस्टम इज रेडी टू बी डिप्लॉयड ऑन अ क्लाउड सर्वर। जब हमारे पास जो हम अब तक के स्टेप्स देख चुके हैं, जब वो सब सक्सेसफुली हो जाते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हम उसको मॉडल को डिप्लॉय करें। अ फ्यू ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म एंड अमेज़न वेब सर्वर, जिसको हम AWS कहते हैं। देयर आर अदर्स एज वेल बट दीज थ्री प्रोवाइड ग्रेट टूल्स टू मैनेज मशीन लर्निंग मॉडल्स। बाकी भी हमारे पास अवेलेबल है क्लाउड सर्वर, लेकिन हमारे पास ये तीन जो है ये वन ऑफ द बेस्ट है। I hope you found this roadmap insightful and useful. Thank you all.
and yes, subscribe and press the bell icon.